देखील आमच्या जुन्या टॅलीपेक्षा 2.5 ते 3 पटीने आम्ही पुढे जातो आहोत अशा प्रकारची परिस्थिती हळूहळू उद्भवते। जवळपास महाराष्ट्राच्या सगळ्याच भागांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला चांगले यश मिळालेले आहे आणि मी विश्वास व्यक्त करतो या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणे सरकार स्थापन करेल, भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल आणि निश्चित एक चांगले सरकार या महाराष्ट्राला, एक पारदर्शी प्रामाणिक सरकार या महाराष्ट्राला आम्ही देऊ। देवेंद्रजी, तुम्ही म्हणाला टॅली वाढते पण टाळी शिवसेनेला देणार का? टाळीमुळे खूप वादविवाद महाराष्ट्रामध्ये घडले आहेत, त्यामुळे टाळी द्यायची की नाही द्यायची, घेतली की नाही घेतली याचे वाद होतात। अजून सगळे निकाल लागू द्या, सगळे निकाल लागल्यानंतर पुढची आमची स्ट्रॅटेजी काय आहे ही आम्ही तेव्हाच ओपन करू। एवढं सांगतो, महाराष्ट्राचं हित हे सर्वोपरी राहील आणि भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापन करेल। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुत अच्छा यश दिया है, महाराष्ट्र के सभी भागों में हमारी बहुत अच्छी सीटें चुनकर आ रही है, जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है और अभी तक जो ट्रेंड्स है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो हम बन गए हैं। लगातार हमारी सीटें बढ़ रही है और पिछले चुनाव के तुलना में अलायंस न रहते हुए भी करीब 2.5 से 3 गुना हमारी सीटें बढ़ती हुई हमको दिखाई देती है। तो जनता ने एक अच्छा हमको मैंडेट यहां पर दिया है और आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ये तो हम पूरे रिजल्ट आने के बाद कहेंगे, पर आज इन ट्रेंड्स को देखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। तो मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। क्या गुजरात की तरह महाराष्ट्र को भी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटेजी करेगी, भारतीय जनता पार्टी को किसी की मदद की आवश्यकता होगी क्या, होगी तो किसके लेगी, ये सारी चीजें उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और आपके सामने हम लाएंगे। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। बीजेपी की जीत पर बोले महाराष्ट्र स्टेट यूनिट बीजेपी प्रेसिडेंट देवेंद्र फडणवीस। उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाएंगे, बीजेपी राज्य में पारदर्शी सरकार बनाएगी। और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि आगे आगे देखिए आखिर होता है क्या, बिना गठबंधन के हमने अच्छा किया है, आगे की रणनीति पूरे परिणाम आने के बाद ही डिसाइड होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस से यह भी पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि गुजरात की तरह पहली बार महाराष्ट्र को भी महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, तो उनका यह कहना था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार किस तरीके से बनाना है, क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए क्या बीजेपी को किसी की जरूरत पड़ेगी, और अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो आखिरकार वो होगा कौन, इस सब के बारे में बहुत जल्दी खुलासा किया जाएगा। ये कहना था देवेंद्र फडणवीस का, जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, संघ के मुख्यालय नागपुर शहर से आते हैं, नागपुर दक्षिण पश्चिम से। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुर्धे को आज ही शिकस्त दी है और ये शिकस्त कई मायनों में खास है, क्योंकि कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल करियर और नितिन गडकरी का पॉलिटिकल करियर सिर्फ नागपुर तक ही सिमट करके नहीं रह जाता है, ये पॉलिटिकल करियर अगर कोई सक्सेस आती है तो फिर वो पूरे विदर्भ के लिए इंडिकेशंस लेकर के आता है। तो ये जो जीत की मुस्कुराहट थी देवेंद्र फडणवीस की बहुत कुछ कहती है, और देवेंद्र फडणवीस बहुत कुछ इंडियन न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने मनोहर जोशी से भी बातचीत की है। एक बार मनोहर जोशी को सुनते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जोशी साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उद्धव जी से मिलकर आए हैं, तो क्या कहेंगे उद्धव जी से मिलकर आए हैं, अब क्या बातचीत हुई और आगे के क्या रूपरेखा लगी?
बातें हमारी हर समय अच्छी होती है। और एक बात आपको कहूंगा कि उद्धव जी अचानक बोलते नहीं है, सोचते होंगे अभी भी, और सोचना ही ठीक है, बड़ा निर्णय है हमारे लिए, तो केवल महाराष्ट्र का निर्णय है नहीं है, शिवसेना का ही निर्णय है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने अपेक्षा की थी उसके मुताबिक रिजल्ट आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा उद्धव जी ने कहा था कि हर जगह घूम के हमारी सत्ता आने वाली है, नंबर वन पार्टी हम बनेंगे। अपेक्षा तो अच्छी रखनी पड़ती है हर समय, उन्होंने भी अच्छा अपेक्षा रखी है, लेकिन रिजल्ट आया है बहुत कह सकते हैं निराशाजनक रहा है शिवसेना के हिसाब से। मैं शिवसेना के प्रमुख को जरूर कहूंगा कि ऐसे लोग हमारे पार्टी में चाहिए कि जो कहेंगे कि रिजल्ट निराशाजनक है। सर आप एक किसके सर शिवसेना के साथ जाना चाहेगी, बीजेपी साथ जाना चाहेगी? मैंने आपका सम्मान किया, मैं नीचे आ गया आपसे बात चाहिए, बीजेपी साथ जाना चाहिए, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम जाना। ये जो बीजेपी की जो लहर चल रही है मोदी के साथ चली, मोदी की वजह से? नहीं। धन्यवाद सर, थे मनोज जोशी साहब जिन्होंने साहब उद्धव ठाकरे से मिलकर आया, और इनकी साफ कहना है कि आगे की भूमिका उद्धव जी तय करेंगे कि किस तरह से आगे की भूमिका ली जाए। कैमरा प्रदीप के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मनोज जोशी शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, 1995 से लेकर के 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर होने का तमगा जो है वो मनोहर जोशी को ही हासिल है। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, डिप्लोमेटिक अंदाज में उन्होंने ये कहा कि अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं तारुफ करा देना चाहूंगा, एक्सट्रीम राइट से प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, अशोक टंडन वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनके सिंह सर भी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मुंबई से लाए, पीएल पुनिया कांग्रेस के नेता, और डीपी त्रिपाठी एनसीपी के नेता हमारे साथ में रहेंगे। डीपी त्रिपाठी के पास मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा, त्रिपाठी जी शरद पवार के दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि कहता है कि उनका दिल दिमाग जल्दी कोई पढ़ नहीं पाता। अब ये सब तो कहना उचित नहीं है, जो जनादेश आया है उसके हिसाब से हम पहले तो विश्लेषण करेंगे, एक राजनीतिक दल के रूप में हमारे पार्टी के तमाम नेता मुंबई में इकट्ठा हो रहे हैं, और मुंबई में इकट्ठा होकर वो उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम पहले तो चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया जाए एक राजनीतिक दल के रूप में, तो आपको जल्दी नहीं सरकार बनाने हमारी रणनीति तय हो सकती है। आपने त्रिपाठी जी कहा था इसी चैनल पर परसों जब हम बातचीत कर रहे थे कि आप निर्णायक होंगे सरकार बनाने में, वही लगता है आप निर्णायक होने वाले हैं कि नहीं होंगे, सरकार बनाने में कोई मदद करेंगे किसी की या बाहर रहेंगे? संभव है कि अभी सब मिल बैठकर निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए, एक तो चुनाव का विश्लेषण करना चाहिए, वो सरकार तो वैसे भी बनेगी ही, जनता ने एक फैसला दिया, सरकार तो बननी बननी है। सरकार किसकी बननी है, जनता ने ये फैसला नहीं दिया पूरी तरीके से? अब वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है, ये तो स्पष्ट है। हाँ, तो आप उसके साथ जाएंगे ना? तो नहीं, ऐसे कैसे कह दे, आप खुद कह रहे बड़ी पार्टी, हमको अपना विश्लेषण करने दीजिए। डीपी आप तो स्पष्ट कह रहे हैं, चुनाव 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 नतीजे सब आ जाने दीजिए। आप कह रहे हैं त्रिपाठी जी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई है, चुनाव लोगों ने मत दिया सरकार बदलने का, आपकी भाषा तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग कर लिया आपने ऑलरेडी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अभी हमको मैंने कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव नतीजों का विश्लेषण करने दीजिए, कम से कम इतना अवसर तो दीजिए, तुरंत एक नतीजे पर पहुंच जाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं एक तीखी बात या सच्ची बात करना चाहता, सच एक ही लाइन में बताइए कि आप बीजेपी को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? आप तो प्रभु जी ऐसे सवाल पूछेंगे,
अभी हमने कहा ना कि एक राजनीतिक दल के रूप में हमें यह अवसर देना चाहिए कि हम विश्लेषण कर लें। चलिए एक इलेक्शन ब्रेकिंग में बता देना चाहूंगा, महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और इस कवायद के तहत क्या कुछ चल रहा है। इलेक्शन डेवलपमेंट यह है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के बड़े नेता से बात की है। बीजेपी के वो कौन बड़े नेता है आगे हम आपको बताएंगे। फोन पर लगभग 5 मिनट तक बात हुई है। अभिषेक शर्मा मुझे ज्यादा जानकारी देंगे, बीजेपी के किस नेता से उद्धव ठाकरे की बात हुई है अभिषेक, और कितनी देर बात चली, क्या बात चली? देखिए, जो माधोसिंह जैन उद्धव ठाकरे के घर से जो खबर निकल के आई है, नाम उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया कि इस नेता ने बात की। जरूर लेकिन इसका बताया कि दिल्ली के टॉप लीडर हैं, उन्होंने 5 मिनट तक उद्धव ठाकरे से बातचीत की है फोन पर। और दिल्ली के टॉप लीडर कोई केंद्रीय मंत्री तो नहीं? देखिए, इस बारे में जैसा कि हमने उन नेताओं से पूछा जो शिवसेना के नेता, उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी न देते हुए कहा कि जरूर उन्होंने इस बात से पूछ लेंगी। चलिए, 5 मिनट तक बातचीत हुई। और थावरचंद गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। थावरचंद गहलोत जी, बीजेपी के नेताओं के साथ में उद्धव ठाकरे की बातचीत शुरू हो गई है, क्या बात चल रही है? थावरचंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? परंतु मुझे ये विश्वास है, जी सुन रहा हूं मैं, और मैं आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूं। कौन अभी किसकी किससे बात हुई है इसकी जानकारी मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। सरकार बनेगी तो किसके साथ बनेगी, महाराष्ट्र की बात कीजिए पहले। देखो, सामान्यतया मेरा तो विश्वास अभी भी यह है कि अंतिम परिणाम आने तक भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। मान लो कहीं विचार विमर्श की जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र का नेतृत्व और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार विमर्श करके फिर निर्णय करेगा किसके साथ बनेगी, ये कहना तो अभी जल्दबाजी है। शिवसेना के साथ जाएंगे, मतलब शिवसेना को अपने साथ ले आएंगे या नहीं ले आएंगे? नहीं, इस विषय में मैं अभी कुछ कहना उचित नहीं समझता हूं। मुझे अभी भी विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे। अफजल खान को याद रखेंगे या भूल जाएंगे? जी, अरे वो अफजल खान वाला बयान याद है या भूल गए? जी, क्या फिर से? देखो, सब याद है, कहने वाले को भी याद है, सुनने वाले को भी याद है। राजनीति में जनता का हित और देश का हित सर्वोपरि है, ऐसा ध्यान में रख करके परिस्थिति के अनुकूल निर्णय होता है। मैं अभी भी आश्वस्त हूं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। चलिए ये बताइए, अगर 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 शिवसेना के साथ में सरकार बनाई, विदर्भ अलग होगा या नहीं होगा? देखो, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अगर मगर की बात की आवश्यकता नहीं है। चलिए सीएम ही अगर बता दीजिए, कोई परिस्थिति निर्मित हो सीएम ही तो बता दीजिए ना। जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, इसका निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और संबंधित राज्य का शीर्ष नेतृत्व और विधायक दल मिलकर के तय करेगा। और पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आजकल में हो रही है, तो निर्णय हो जाएगा। पीएल पुनिया जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पीएल पुनिया जी, पूरा देश एक ही सवाल पूछना चाहता है कांग्रेस से कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को वॉकओवर दे क्यों दिया? वॉकओवर नहीं है, ये जनता जनादेश देती है। महाराष्ट्र में हम 15 साल से सत्ता में थे, हरियाणा में हम 10 साल से सत्ता में थे, और एक शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी, जब ज्यादा समय हो जाता है लोगों की अपेक्षाएं अनुरूप काम नहीं होता तो वो एंटी इनकम्बेंसी, लोग बदलाव चाहते हैं और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। मैं स्वीकार करता हूं और वह विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं जनादेश को, और ये मानता हूं कि दोनों जगह हम लोगों को सत्ता में आने का जनादेश नहीं मिला।
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर जनादेश मिलता हुआ नजर आ रहा है, उनको मेरी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में किसी को जनादेश नहीं मिला है और मैं तो ये कहूंगा कि जिस चीज की भी अपेक्षा थी उन अपेक्षा के अनुरूप किसी को भी समर्थन नहीं मिला है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली उसके हिसाब से 132 विधानसभा सीटों पर वो बढ़त थी विधानसभा सीटों पर, और इसी तरह से शिवसेना की भी 100 विधानसभाओं पर बढ़त थी। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स सोशियोलॉजी से अगर चलती ना पीएल पुनिया जी, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अगर से, मैं एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं। नीचे हम तो 16 एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं, आज 45 के आसपास 45-40 पे आ रहे हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मैं रुक जाता हूं। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ सोशियोलॉजी से नहीं चलती है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का अगर हरियाणा और महाराष्ट्र से सफाया हुआ है, इसके बाद क्या कांग्रेस का रिसर्जेंस हो पाएगा? क्योंकि अमूमन ये देखा गया है, अगर चुनावी इतिहास में हम जाते हैं तो देखा यह गया है कि कांग्रेस का अगर सफाया हुआ है कई राज्यों से तो उसके बाद उसका रिसर्जेंस नहीं हो पाया। एनके सिंह के पास में चलेंगे, इसके अलावा अशोक टंडन जी के पास भी चलेंगे, अनुज गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है, प्रभु जी के पास भी चलेंगे ब्रेक के बाद। जनादेश, वो जनादेश जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक एक बार फिर से चल गया, वो जनादेश जो ये कह रहा है कि हरियाणा में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, वो जनादेश जो ये कहने जा रहा है कि बिना गठबंधन के महाराष्ट्र में सरकार बनने नहीं जा रही। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद है, कांग्रेस के पीएल पुनिया, एनसीपी के डीपी त्रिपाठी, बीजेपी के थावरचंद गहलोत जो कि संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, उनके साथ बातचीत भी होगी। प्रभु चावला, अनुज गुप्ता, एनके सिंह, अशोक टंडन, ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार और मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी लाइव मेरे साथ मौजूद है। मनीष शायद कुछ कहना चाहते हैं। मनीष, मेरा कहना यह है कि अब जो लड़ाई है, ये लड़ाई चुनाव के पहले जो थी कि मातोश्री सारे बीजेपी के नेता जाते थे और वहां बात होती थी, अब चूंकि बीजेपी को एज है, बीजेपी को बढ़त है, शिवसेना से दुगनी सीटें लेकर बीजेपी आई है, तो अब सबसे मजेदार बात यह है कि बीजेपी से कौन से नेता मातोश्री जाएंगे। मातोश्री को यह पता चल गया है कि उनकी हैसियत कितनी है। ऐसी सूरत में फोन पर बातचीत से ही काम बनेगा या अब उद्धव ठाकरे उठकर बीजेपी के नेताओं से मिलने आएंगे? ये मान अपमान, स्वाभिमान, सम्मान, ये सारी चीजें अब दिखाई देंगी। लेकिन जहां तक बात सामने आ रही है, मनोहर जोशी ने जो हमारे संवाददाता से बात की उसको देखकर ये लगता है कि शिवसेना ने अपना रुख नरम किया है और वो भी ये जानते हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, जिद्दी होकर अड़ियल होकर काम चलेगा नहीं। लेकिन हां, मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई है, उनका ये मानना है कि एक बार्गेन की स्थिति पैदा होगी, लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना से कभी भी कतई कोई बातचीत नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, ओम माथुर दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, बीजेपी के इस दफ्तर में अब कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं बचा जो कि निर्णय ले सके। विनोद तावड़े पहले ही चले गए, तो यहां पर अब जो है केवल कार्यकर्ता है और उसके बाद एक जल्लोष सा जुलूस यहां पर निकालने की तैयारी दिखाई दे रही है। राशिद, आपके इंडिकेशंस में समझ गया। थावरचंद गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। थावरचंद गहलोत जी, महाराष्ट्र में छोटे भाई से ये बड़े भाई वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसी लगती है? देखो, जनता ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है। उसके बावजूद अगर कहीं विचार विमर्श और राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बना और विचार विमर्श की आवश्यकता हुई तो शीर्ष नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड और राज्य इकाई और विधायक दल के प्रमुख लोगों से बात करके कुछ निर्णय करेंगे। आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, कुछ तो इंडिकेशन दीजिए ना सर। सवाल हमारे गठबंधन का तो 25 साल पुराना इंडिकेशन, जब तक विचार विमर्श होकर के कोई संकेत नहीं दिखाई दे तब तक देना उचित नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज होगी, राज्य इकाई के प्रमुख लोगों से और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के प्रमुख लोगों से बात करके पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार विमर्श करेगा, फिर निर्णय करेगा, उसके बाद हम निश्चित रूप से आप लोगों को बताएंगे। एनके सिंह के पास में चलते हैं। एनके सिंह जी, दो चीजें पूछना मैं चाहूंगा कि सरकार बनाने के लिए किसका साथ नफीस का समझ में आएगा बीजेपी को, और जाहिर सी बात है कंडीशंस बीजेपी की होंगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। पहला तो मेरा यह सवाल है कि शिवसेना के साथ में को साथ में अगर लिया जाएगा तो मोडेलिटीज सरकार की किस तरीके की हो सकती हैं संभावित, और दूसरा यह कि सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, गडकरी, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से,
इन नामों में से मुहर किस पर लग सकती है? असल में पहले क्वेश्चन के आंसर से ही दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी निकलेगा। एक चीज हम बता दें, भर्तृहरि का नीति शतक एक है, उसमें एक श्लोक है, वारंग नेव नृप नीतिर अनेक रूपा, तवायफ की तरह राजनीति के भी अनेक रूप होते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं, कहा जाता है पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, दरअसल ये अनैतिक संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से तमाम जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ मोदी के पिता को लेके, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये रेंसम वसूलने वालों की पार्टी है, इसके बावजूद भी अगर निगोसिएशन हो रहे हैं तो ये बात सही है कि शिवसेना की ज्यादा जरूरत है बीजेपी से। शिवसेना का सत्ता में रहना इसलिए भी जरूरी है कि जो टाई अप होंगे उससे जो लोकल बॉडीज हैं, जिसमें 30,000 करोड़ का बजट होता है, जिसपे कि शिवसेना का कब्जा होता है, इसलिए सर्वाइवल इंपरेटिव से डिक्टेट करते हैं कि शिवसेना हर हालत में बीजेपी के साथ जाएगी और कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा अपर हैंड बीजेपी का वैसे भी रहेगा, नंबर गेम में भी रहेगा। तो चीफ मिनिस्टर और खेल यही था, जो पार्टी टूटी है, ये गठबंधन टूटा है, उसके पीछे एक ही कारण था कि चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी तरह उद्धव ठाकरे को नहीं बनाना चाहते। एक कमर्शियल ब्रेक ले लेता हूं मैं, आपकी इजाजत से ही इस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अशोक टंडन तक लेकर के जाऊंगा कि बीजेपी शिवसेना की अगर सरकार बन भी जाती है, आज बाला साहब ठाकरे भी नहीं है, आज प्रमोद महाजन भी नहीं है और आज गोपीनाथ मुंडे भी नहीं है, अगर सरकार बीजेपी और शिवसेना की बनेगी इसमें कितनी खलिश होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है, कितनी स्मूथ यह सरकार होगी, स्थायित्व को लेकर के कई सवाल उठेंगे और कई बार बहुत अच्छा माना जाता है जी। लेकिन खलिश अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो कई बार तलाक की नौबत भी आ जाती है। आए हैं इन नतीजों से आगे की राजनीति के इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मेजोरिटी उसने पा ली है, बहुमत का जादुई आंकड़ा उसने पा लिया, लेकिन महाराष्ट्र का क्या होगा? क्या बीजेपी शिवसेना के साथ में जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी अगर शिवसेना को अपने साथ में लेकर के आती है उसके बाद किस तरीके की बंदिशें झेल पाने के लिए तैयार होगी शिवसेना, यह उससे बड़ा। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी कुछ बोलना है, उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद आगे। सरकार बनाएंगे, झारखंड की सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएंगे और अगले साल बिहार की सरकार बनाएंगे। चलिए तो आप राजीव प्रताप रूडी को सुन रहे थे। राजीव प्रताप रूडी का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर में भी हम सरकार बनाएंगे, बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे, झारखंड में भी हम सरकार बनाएंगे। मतलब सीधा सा ये जो स्लोगन दिया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाया जाएगा। खैर, जो बात एनके सिंह कर रहे थे अशोक टंडन जी, उसे थोड़ा आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं कि शिवसेना के पास और कोई चारा नहीं है बीजेपी के साथ जाने के सिवा, लेकिन अगर चले जाते हैं तो आज की तारीख में बाला साहब ठाकरे नहीं है, प्रमोद महाजन नहीं है, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता नहीं है जो एक अमलगमेशन के लिए बहुत ज्यादा एक मजबूत सोर्स कहे जाते थे। मुझे ये बताइए कि क्या शिवसेना में इस वक्त इतनी ताकत रहेगी अगर सरकार में शामिल होंगे कि बीजेपी की आर्म ट्विस्टिंग कर सके? देखिए, मुझे लगता है आर्म ट्विस्टिंग की नहीं जरूरत पड़ेगी। 15 साल से दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में सत्ता के बाहर हैं और इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले और हम कांग्रेस को बाहर करें। वो मौका उनको मिला है, अलग लड़ने के बावजूद भी दोनों का नंबर मिलाकर और बहुमत से काफी आगे है। हम एक बात ये भी नहीं भूलें कि एनडीए के सरकार के दौरान शिवसेना सत्ता में थी जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार में भी शिवसेना सत्ता में है, उसके मंत्री हैं। तो इसमें बड़ा स्वाभाविक है कि राज्य के सरकार गठन में दोनों में तालमेल कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। और सरकार बन जाने के बाद भी, क्योंकि ये नेचुरल अलाय हैं, तो कोई बहुत दिक्कत आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार थावरचंद गहलोत के पास में चलते हैं, थावरचंद गहलोत जी को जाना भी है। थावरचंद गहलोत जी, अच्छा इतना बता दीजिए, सीएम का नाम आपने नहीं बताया, मैं देवेंद्र फडणवीस नहीं पूछता, पंकजा विनोद तावड़े एकनाथ खड़से मैं कुछ नहीं पूछता, बस ये बता दीजिए कि मराठवाड़ा से होगा या विदर्भ से होगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो आम मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेतृत्व की पसंद होगा। अच्छा, ऐसा कोई होगा जिसे राजनीति विरासत में मिली हो? <laughs>
देखो हमारे यहाँ इस बात का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जिसको पसंद करते हैं, कार्यशैली जिसकी अच्छी है और जो नेतृत्व देने में सक्षम है, उसका निष्कर्ष निकलेगा और वो जो नाम आएगा सामने उस पर निर्णय हो जाएगा। आप थोड़ा इंतजार करें, आनंददायक निर्णय होगा और अच्छा निर्णय होगा। देवेंद्र फडणवीस सक्षम देने में हैं, वो सक्षम है या नहीं है? हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर के नेतृत्व करता है, सक्षम नेतृत्व देने की क्षमता है और इन सब में से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व राज्य इकाई के साथ बातचीत करके निर्णय कर लेगा। अच्छा ये बता दीजिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता किसे चाहते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा किसे आप सीएम बनाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता किसे चाहते हैं ये बता दीजिए। आपके पास राय तो आती होगी ना? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दीजिए और हम वैसा ही करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल। एक नारा चला था कि केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र, ये नारा काम करेगा? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड आज बैठक कर रहा है, उसमें निर्णय होगा, थोड़ा इंतजार कर ले साहब। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एनके सिंह जी, आपने तमाम बातें कही हुई हैं, आपने कई चीजें बताई। एक नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी रही है, नरेंद्र मोदी ने बड़ी 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 मैपिंग करते हुए नरेंद्र मोदी चले, एरिया वाइज बड़ी मैपिंग उन्होंने की, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र जो कि बैटलफील्ड माना जाता था, जहां बीजेपी और शिवसेना दोनों की ही नजर जमी हुई थी, वहां से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसके अलावा जो गोल्डन ट्राइंगल रीजन कहा जाता है, मुंबई पुणे और नासिक, यहां से एक अलग तरीके की मैपिंग की गई थी। तो जो मैपिंग मार्किंग और जो सोशल इंजीनियरिंग की है और साथ ही साथ जो इमोशनल इंजीनियरिंग की है, जो शिवाजी राव मराठा को उन्होंने हाईजैक कर लिया, क्या इन सभी ने मिलकर के काम किया? जी हाँ, नरेंद्र मोदी स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह को अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पॉलिसी फ्रेमिंग है, स्ट्रेटजिक पॉलिसी जो होती है वो मोदी जी बनाते हैं। पर मुझे पहली बार लग रहा है कि स्ट्रेटजी में उनके कहीं एक चूक हुई है। ठीक है, 12% वोट तो बढ़े हैं, लेकिन स्ट्रेटजी में उनका जो असेसमेंट था, जो कि बड़े साइंटिफिक तरीके से उन्होंने कराया था, वो ये था कि किसी तरह से भी वो 140 के आसपास पहुंचेंगे उनके अपने बूते पे, और यही वजह थी कि उन्होंने शिवसेना से ये संबंध तोड़े थे। एक चीज और भी थी, किसी भी कीमत में एग्रेसिव हिंदुत्व, खास करके जो ब्रांड शिवसेना का है, उसका चीफ मिनिस्टर अगर होता है तो उनको नेशनल लेवल पे हर रोज प्रॉब्लम होगी, ये बड़ी साफ थी। तो जो कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते थे, तो टैक्टिकली उन्होंने पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो जो टैक्ट उन्होंने लिया था वो कहीं ना कहीं गलत पड़ा और वो जो सीट के टर्म्स में है काफी नीचे आ गया, जो कि उनके एक्सपेक्टेशन में नहीं था। अब ये सब बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली में निर्णय लेगा, प्रदेश में नेतृत्व निर्णय लेगी और मुझे विश्वास है कि जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सिर्फ बहुमत से थोड़े आगे पीछे, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही, जो भी तय करेंगे हम आपको पार्टी के अंतिम निर्णय के बाद देश को और आपको जरूर बताएंगे। वेल, देयर इज अ हिस्टोरिक विन इन हरियाणा एंड एब्सोल्यूट हिस्टोरिक, आई कैन से इन महाराष्ट्र इट्स अ रेस्पेक्टेबल विन। If you recall, in Maharashtra, we used to contest only 119 seats in last. अनुज जी, आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे मानेंगे इस बात पर कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर कुछ ढाई साल जैसा कोई समझौता करने की कोशिश करेंगे? देखिए, समझौते की कोशिश तो बिल्कुल करेंगे और अपनी शर्तों पे करना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत आवश्यक होगा कि आखिरी नंबर क्या होते हैं। आंकड़ों का खेल होना है हमेशा। देखिए, हम जब एक घंटे पहले चर्चा कर रहे थे, बीजेपी 110 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस समय जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यदि आप देखें तो 14 पर भाजपा जीत चुकी है और 108 पर लीड है, यानी 122 सीटें उसकी अपनी, सहयोगियों में शायद एक ही जीत रहा है, कोई 123 हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी मजेदार चीज ये है कि पिछले 3-4 घंटों से जो ट्रेंड एक बना हुआ था कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर के 144 से ऊपर, 150 से भी ऊपर, 155 तक भी पहुंची, लेकिन वो इस समय 142 के आंकड़े पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 56 शिवसेना,
44 एनसीपी और 42 कांग्रेस। तो ये देखना होगा, क्योंकि यदि 144 से नीचे ये तीनों दल होते हैं तो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन पैदा होगा। मैं जानता हूं कि जो बाकी जो जीत रहे हैं अन्य, उनमें चार एमआईएम के हैं या शेकाप के भी हैं, राज ठाकरे का केवल एक है, लेकिन यानी इनमें कई ऐसे हैं जो भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, मैं जानता हूं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बदलता है यदि ये तीनों दल हाफवे मार्क से नीचे होते हैं। और जैसा कि प्रभु जी अभी कह रहे थे, जो एमआईएम पार्टी जो ओल्ड हैदराबाद स्टेट था आजादी के समय का, उसका जो हिस्सा महाराष्ट्र में आया वहां वो लड़ने के लिए आए हैदराबाद पार्टी, और औरंगाबाद शहर की दो सीटें वो जीत चुके हैं। कांग्रेस औरंगाबाद सेंट्रल में छठवें स्थान पर गई है, और औरंगाबाद पूर्व वाली सीट पर राजेंद्र दर्डा जो मंत्री हैं, उनके ब्रदर यहां कांग्रेस के सांसद, और जो कोयला घोटाले का भी जो मामला रहा है, उनको केवल 10,000 वोट मिले वहां पर तीसरे स्थान पर। नांदेड़ दक्षिण की सीट वो लेके गए हैं और भायखला की सीट, पहली तीन सीटें जो हैं वो ओल्ड हैदराबाद स्टेट की हैं। यानी देखिए, ये 40-50 साल बाद भी ये सब भावनाएं किस तरह से काम करती हैं, देखकर हैरानी होती है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय, चूंकि मध्य प्रदेश से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जो कामयाबी हासिल हुई है, जो चार बड़े हीरो उसमें कहे जा रहे हैं, उनमें से एक हीरो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। हरियाणा के प्रभारी भी हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका कैलाश विजयवर्गीय जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। कैलाश जी, कैसा रहा ये इलेक्शन, और साथ ही अब तो पूरा देश यही जानना चाहेगा कि हरियाणा का अगला सीएम कौन? देखिए, इलेक्शन जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से हमारे लिए पहले जब अमित जी ने जवाबदारी दी कि 60 प्लस सीट लाना है और आप जाइए हरियाणा, तो पहले घबराहट हुई हरियाणा की हालत देखते, पर जैसे जैसे हमने काम किया और हमें लगा कि तीसरे सप्ताह तक हम पहुंचे काम करते करते, तो हमें लगा कि सरकार बना लेंगे, और चौथे सप्ताह में हमें लगा कि हम दो तिहाई बहुमत की सरकार भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हरियाणा में हमने ग्रेजुअली प्रोग्रेस की, और अब हमें परिणाम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जहां तक आपने मुख्यमंत्री पद का कहा है, तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनने ही वाला है। कौन बनेगा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि हरियाणा में हम पहली बार सरकार बना रहे हैं, पहली बार वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया, तो एक चुनौती होगी उस मुख्यमंत्री के लिए कि वो हरियाणा की जनता के विश्वास के अनुरूप काम करे। कैलाश जी, आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, गीत संगीत की बड़ी अच्छी समझ है आपको। जीत का कोई गीत नहीं सुनाएंगे हमें? अरे म्यूजिक वगैरह है नहीं, फिर कभी आप कभी गीत के लिए बुलाना, मैं बहुत अच्छे आपको गीत सुनाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे सुनाऊंगा। कहते हैं कि जिसे संगीत की समझ होती है उसे वाद्य यंत्रों की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, और जीत तो वैसे भी अपने आप में एक संगीत होता है। जीत के संगीत में ही कुछ सुना दीजिए मैं, और मैं आपके उसी गाने के साथ में ब्रेक लेना चाहूंगा। अच्छा, आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं फिर सोच के कोई गाना सुनाऊंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, और दर्शक भी आपके एक अच्छे से सुंदर से गाने का इंतजार करेंगे, और आगे मैं आपसे बातचीत जरूर करना चाहूंगा। कृष्णपाल गुर्जर, अनिल वेज, मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा, हरियाणा का अगला सीएम कौन? एक ब्रेक। पार्टी की बात है, नरेंद्र मोदी जी के महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, इसलिए मैं मतदाताओं का बहुत बहुत आभार मानता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हरियाणा में पहली बार हमारी ताकत पर पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार हमारी सरकार आई है। महाराष्ट्र में भी पिछले बार हम लोग केवल 118-119 सीटें लड़ते थे, इस बार हम लोग उतने सीटें पर पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार हमारी सरकार आई है। महाराष्ट्र में भी पिछले बार हम लोग केवल 118-119 सीटें लड़ते थे, इस बार हम लोग उतने सीटें जीते हैं। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने ताकत पर नंबर एक की पार्टी बनाने का सौभाग्य मिला है। ये बात जरूर है कि हम पूर्ण बहुमत की अपेक्षा रखते थे, फिर भी ये भी जीत बहुत बड़ी है, और इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उस नागपुर जिले में लगभग एक फॉर्म हमारा रिजेक्ट हुआ था, वह 100% सीटें हमने जीती है। 12 में से 11 सीटें मिली है,
मेरे लोकसभा क्षेत्र में और बाकी जगह वहां की जनता का भी मैं जो विश्वास उन्होंने बताया उसके लिए निश्चित रूप से आभार मानता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की नई लहर देश में चल रही है और लोगों के मन में जो अपेक्षा हमारे केंद्र की सरकार ने निर्माण की है, उस अपेक्षा को निश्चित रूप में लोगों ने उसको समर्थन करके हमको ये समर्थन दिया है और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, देश विकास की ओर बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो अपेक्षाएं जनता की वो पूरी होगी। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 6 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, हमारी लगातार आपस में चर्चाएं शुरू है और हमारे अध्यक्ष अमित शाह आगे के बारे में इसके बारे में जो भी निर्णय है वो घोषित करेंगे। क्या शिवसेना के साथ जाएंगे? इसके साथ जाएंगे। देखिए 6 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और मीटिंग में राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से आकलन करके हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके उचित निर्णय करेंगे और 6 बजे के बाद आपको निर्णय उचित नेचुरल आपके शिवसेना रही है इतने सालों से गठबंधन रहा तो उनके साथ कंफर्ट है आपको? देखिए पहली बात तो ऐसे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी में इन सब बातों का विचार चल रहा है और हम आपस में भी लगातार मिल रहे चर्चाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से 6 बजे तक सबसे चर्चा करके इसके बारे में पार्टी अपनी अधिकृत भूमिका निश्चित करेगी। आई टॉक्स विद एनसीपी आल्सो, इज बीजेपी इन टॉक्स विद एनसीपी, लाइक सम बैक चैनल टॉक्स? मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हमारे पार्टी में आपस में डिस्कशन चल रहा है, बाकी भी स्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं, नतीजे अभी तक पूरे लगे नहीं है और जिसके बाद संख्या एक बार निश्चित हो जाने के बाद 6 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में। सर, क्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद के लिए आपको लगता है अब चीजें जर्जर आ गया कि मुख्यमंत्री बनकर जाने के क्या है? देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि मैं दिल्ली में खुश हूँ और दिल्ली में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिला है और मैं देश के लिए गंगा जैसे बड़े बड़े प्रकल्पों का काम करना चाहता हूँ और इसलिए बहुत पहले से मैंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र में जाना नहीं चाहता। पार्टी इसके बारे में जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे नेता है उसका उचित निर्णय करेंगे और उसकी घोषणा 6 बजे के बाद होगी। चलिए हरियाणा की बात कर रहे थे, सरकार को लेकर लगातार चर्चा जारी है, संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद फैसला होगा। नितिन गडकरी का यह कहना था सीएम पद पर, गडकरी ने कहा कि मैं दिल्ली में ही खुश हूं, यह बड़ा बयान दिया है नितिन गडकरी ने, लेकिन हरियाणा की बात में बहुत कुछ वो कह करके गए। हरियाणा के बारे में उन्होंने यह कहा कि पहली बार बिना गठबंधन के सरकार बनने जा रही है, पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा दरअसल वो राज्य है 1966 में अस्तित्व में आया और तब से लेकर के आज तक पिछले 30 सालों में अगर हम देखें तो INLD और कांग्रेस ने बारी बारी से सरकार चलाई है, लेकिन बीजेपी पहली बार सारी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके बाद यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के शिल्पकार हैं कैलाश विजयवर्गीय जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। कैलाश जी, जीत का संगीत सुना दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। थैंक यू। चोला बसंती हो गया आज महाराष्ट्र में भी हरियाणा में भी चोला हो गया ना पूरा एकदम बसंती वर्गी साहब। जी सर, बिल्कुल, इसीलिए तो मुझे याद आएगा ना। आपके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आजकल साड़ियां और सब पहन रखे हैं सफरन के पूरे सब जगह। आप सवाल पूछ रहे थे चीफ मिनिस्टर के बारे में। जी कैलाश जी, मैं एक सवाल है मेरा, पहनता हूँ आपको मालूम है। जी कैलाश जी, मेरा सवाल ये है, कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा, बिना डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए ये बताइए सीएम कौन बनने जा रहा है? देखिए ये प्रश्न देने का मैं हकदार नहीं हूं।
क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके ऊपर विचार करेगी। आप वो वाला प्रश्न पूछिए जिसका मैं जवाब दे सकूं। पर जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस प्रकार की है कि हरियाणा में हम पहली बार जीते हैं, तो सबको साथ में लेके और हरियाणा की जनता के विश्वास के अनुरूप हम काम करें, ये एक मुख्यमंत्री के लिए चुनौती होगी। ठीक है, एक ब्रेक मैं लेता हूं, लेकिन उससे पहले प्रभु जी से एक बहुत ही छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। प्रभु जी, क्या लगता है कि दांव किस पर खेला जाएगा बीजेपी की तरफ से, जाट मुख्यमंत्री या गैर जाट मुख्यमंत्री? तो मेरे को लगता है जिस तरह की बीजेपी के यहाँ जो कटे क्रॉस कास्ट लाइन, उनको सब जगह वोट मिले हैं। जाट बेल्ट में भी काफी सारे वोट उनको मिले हैं, इसलिए पंजाबी बेल्ट में भी ज्यादा वोट मिले हैं। ब्राह्मण, मेरे को लगता है इस बार एक्सपेरिमेंट ये लोग करेंगे कि नॉन जाट एक बार चीफ मिनिस्टर को नौकरी बनना चाहिए। मैं तो उसी के ऊपर रखूंगा कि सबको लेकर के चलने वाली बात है, ये नहीं लगे कि जाट ही बनना है या सिख बनना है या कुछ और बनना है। ये जातिवाद पर ज्यादा जाते नहीं है, परंतु हरियाणा के कंपल्शन ये है कि इनको एक्सपेक्टेशन इनसे यही है कि एक नॉन जाट चीफ मिनिस्टर दिया जाए और उसको रूल नहीं, और गुजरी बन सकता है, ये भी हो सकता है, परंतु जाट की लाइकलीहुड बहुत कम लगता है मेरे को। अच्छा अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए हैं। एक बड़ी खबर है, INLD के लिहाज से बड़ी खबर है। दरअसल INLD एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस बार, चूंकि पिछली बार उन्होंने एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती थी, बावजूद इसके 32 सीट लेकर के आए थे, लेकिन इस बार 2 सीटें जीती, लेकिन INLD सिर्फ 18 सीटों पर ही सिमट करके रह गई। दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए हैं, जैसा कि पूरा परिवार हार गया, और परिवारवाद की राजनीति को लेकर के भी मैं कुछ खास बात करना चाहूंगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े इंतजार के बाद खबरें जारी।